हेलो दोस्तों, स्वागत है थोड़ा मॉडल क्वेश्चन पेपर दिस डिस्कशन दे विच ते एक सल्यूशन दे विच ते वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने कहा कि कोई वीडियो बना दो सर, ताकि थोड़ा जा आइडिया हो जाए पेपर का, पेपर किवें अटैम्प्ट करना है। तो बच्चों सब तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन जोड़े MCQs बेस्ड हो गए और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर दे होंगे और सारे क्वेश्चन जरूरी हैं। तो उम्मीद है कि थोड़ी तैयारी बहुत वधिया चल रही पेपर की, और आओ फिर शुरू करते हैं पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है जमात 11वीं लई, पेपर राजनीति शास्त्र है और पहली टर्म का पेपर उसके लिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न तो, पॉलिश शब्द का की अर्थ है? पॉलिश शब्द का अर्थ है नगर राज। 1908 विच ग्राम वैलेस की किताब केड़ी प्रकाशित हुई सी? ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीतिक प्रणाली नहीं है, शासन ते दो निबंध नहीं है, वो है फिर ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, वो केड़ा पहला अर्थशास्त्री सी जिसने अर्थशास्त्र नूं एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म दिता? ते डेविड ईस्टन नहीं है, प्रोफेसर गार्नर नहीं है, हीगल भी नहीं है, ये एडम स्मिथ हैं। नागरिक कितनी तरह दे होंदे हैं? दो प्रकार दे, चार प्रकार दे, तीन प्रकार दे, पांच प्रकार दे। नॉर्मली दो प्रकार दे नागरिक होंदे ने, एक जन्म तो एक राजकृत नागरिक, इसलिए दो प्रकार आ जाएगा। अमरीका विच दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है, भारत विच एक ही नागरिकता नूं अपनाया गया है, दोवे कथन सही हैं? पहला कथन सही है, दोवे कथन सही नहीं हैं, दूजा कथन सही है, दोवे कथन सही है। अमरीका च दोहरी नागरिकता है, डबल है, उत्थे अमरीका की नागरिकता तो है ही है लोगों, बाकी जिहड़े जिस राज रहन वाले उत्थे दी नागरिकता भी है, पर साडे देश दे विच सिर्फ एक नागरिकता वो है भारत की नागरिकता। चलो लैट्स मूव टू द नैक्सट क्वेश्चन। राजनीतिक अधिकार नहीं है इन्हां च, कि राजनीतिक अधिकार नहीं है? चोन लड़न का अधिकार नागरिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार नागरिक अधिकार है, उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक दलों का निर्माण करने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। यानी कि उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार जिहड़ा है ये आर्थिक अधिकार है। चलो अगले प्रश्न चलते हैं। हेठ लिखिया सोमिया विचों किहड़े कानून का सोमा नहीं है? रीति रिवाज कानून का सोमा है, अदालती फैसले भी कानून का सोमा है, विधानमंडल भी कानून का सोमा है, राजनीतिक दल कानून का सोमा नहीं है, कीप इन माइंड। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का शब्द लिबर्टी लतीनी भाषा का किड़े शब्द तो लिया गया? लिबर तो लिया गया। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा सी कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता तो बिना एक ढोंग है? हुण जेएस मिल, जीडीएच कोल, टीएच ग्रीन ते कार्ल मार्क्स, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता तो बिना एक ढोंग है। तो ये जड़ा है कार्ल मार्क्स का है, या टी एच ग्रीन का है, या जी डी एच कोल का है, जेएस मिल का है, तुसी एक कमेंट करके दसना है अगर तुसी वीडियो देख रहे हो। तो भारत विच लोकतंत्री प्रणाली है, भारत विच सारयां नूं बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार दिता गया है, सही है, दोवे कथन सही हैं। किसनों होर समाजिक शास्त्री की जननी कहा जाता है? दूसरे यह समाज शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, इतिहास का शास्त्र, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र संबंधित, राजनीति शास्त्र, राजनीति संबंधित, यह दर्शन न संबंधित है, यानी कि इसमें फिलोसफी भी कह सकते हैं। तो बालक वोट अधिकार लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? बालक मत अधिकार लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए। लास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा दो शब्द तो हुई है? टिटोनिक भाषा के शब्द तो हुई है। एक वधिया नागरिक के रस्ते विच आने वाली रुकावटों को किवें दूर किया जा सकता है? मुफ्त लाजमी शिक्षा दे के, समाजिक बुराइयों को खत्म करके,
गरीबा गरीबी नूं खत्म करके, उपरोक्त सारे, तो उपरोक्त सारे आ जाएगा आंसर। कानून की उलंघना करने वाले नूं सजा दिंदा है दबाव समूह, नहीं राजनीतिक दल, नहीं अदालतां, यस लोकमत, नहीं। हेठ लिखिया किस्मां विचों कि समानता की किस्म नहीं है? कुदरती समानता, नागरिक समानता, समाजिक समानता। मौलिक अधिकार समानता की किस्म नहीं है, यह अधिकार की किस्म है। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय यकीनी बनाने लई आर्थिक शोषण का अंत होना जरूरी है। आर्थिक न्याय यकीनी बनाने लई आर्थिक शोषण का अंत होना जरूरी है, यही आना चाहिए। न्याय का उद्देश समाज के एक विशेष वर्ग का कल्याण करना होता है, गलत है। भारत में न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र और निरपक्ष बनाया गया है, यस ये सही है। दोवे कथन सही है, नहीं गलत है। दोवे कथन सही नहीं गलत है, पहला कथन गलत है, ये सही है। दूजा कथन सही है, ये भी सही है। पहला कथन गलत है, न्याय का उद्देश समाज के एक विशेष वर्ग का कल्याण करना होता है, तो ये आंसर दो हो जाएंगे। दूजा कथन सही है। अगला, हेठ लिखिया विचों किहड़ा अधिकार की सुरक्षा लई जरूरी प्रबंध है? कठोर संविधान, कानून, स्वतंत्र ईमानदार प्रेस, उपरोक्त सारे, ये उपरोक्त सारे आ जाएंगे। अगले प्रश्न चलते हैं, हेठ लिखिया करतबों विचों किहड़ा कानूनी कर्तव्य है? जनतक संपत्ति की रक्षा करना ये कर्तव्य है, पर कानूनी कर्तव्य नहीं है। माता पिता प्रति कर्तव्य एक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य नहीं है। इलाके प्रति कर्तव्य एक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य नहीं। मनुख प्रति कर्तव्य ये भी कर्तव्य है, पर कानूनी कर्तव्य नहीं है। तो इसका मतलब है ये जनतक संपत्ति की रक्षा, ये माता पिता प्रति कर्तव्य कानूनी कर्तव्य दे विच आ जाएगा। कानूनी तौर पर माता पिता देखभाल करना चाहिए, बट ये मैं तुम्हें कहूँगा तुम कमेंट करके दसना, कमेंट करके दसो। अगे है, प्रस्तावना विच समाजवादी अते धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित किए गए सन कदों? 42वीं शोध राही। किस दे नाम ते भारत का शासन चलाया जाता है? प्रधानमंत्री के नाते नहीं, राष्ट्रपति के नाते नहीं, संसद के नाते नहीं, लोकसभा का स्पीकर। किस दे नाते भारत का शासन? अच्छा, भारत का शासन चलाने लिए सारा शासन फिर राष्ट्रपति के नाते चलता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट कोल है? भारत के संविधान 395 आर्टिकल हैं, दोवें कथन ठीक हैं, दोवें कथन ठीक हैं, पर सब आर्टिकल मिला के ज़्यादा आर्टिकल हो जाते हैं, इस गल लिए याद रखना। किहड़ा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची विचों खारिज किया गया है? संपत्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार आर्थिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, ना राजनीतिक अधिकार। किस देश तो प्रभावित होकर भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है? इंग्लैंड तो। किस दे सुझाव अनुसार निर्देशक सिद्धांत संविधान में शामिल किए गए? डॉक्टर बी आर अंबेदकर के सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने, श्रीमती इंदिरा गांधी के, सर बी एन राव के सामने, सर बी एन राव के सामने, क्योंकि यही एडवाइजर से। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश तो प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिया गया है? अमरीका का संविधान तो नहीं, अफ्रीका का सिद्धांत तो नहीं, कैनेडा का संविधान तो नहीं, आयरलैंड का सिद्धांत तो यस। संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य की कुल गिनती कितनी है? इस वेले मौलिक कर्तव्य 11 है टोटल, पहले 10 थे तो हुण 11 है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस साल में शामिल किए गए सन? ये शामिल किए गए सन 1976 दे विच एमरजेंसी के दौरान। हेठ लिखिया लिखिया विशेषताओं विचों किहड़ियां भारतीय संघ राज की विशेषता है? लिखती संविधान है, कठोर संविधान है, दोहरी शासन प्रणाली है, उपरोक्त सारे, उपरोक्त सारे आ जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद पहले अनुसार भारत एक
एकात्मक राज है, संघात्मक राज है, लोकतंत्र राज है। अनुच्छेद पहले अनुसार भारत एक संघात्मक राज है। भारत दे संघात्मक प्रणाली लई भारत ने संघात्मक प्रणाली लई है अमरीका तो, इंग्लैंड तो, रूस तो, पाकिस्तान तो, ते ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। इंग्लैंड दे विच है संघात्मक प्रणाली, ते ये फिर अमरीका तो बलवांगे। फिर भी मैं ये भी आवाँगा, तुसी कमेंट करके दसो, मैं गलत हो सकता कई क्वेश्चन चे, तुसी उस कमेंट करके मैनू करेक्ट कर सकते हो। भारत संविधान विच केंद्र ते राजां दीआं शक्तियां नूं किन्नियां सूचियां विच वंडिया गया है? भारतीय संविधान विच मेनली तीन सूची है, केंद्रीय सूची, राज दी सूची, कंकरंट लिस्ट, तीन सूचियां हैं गया। बाकी रहिंदा पावर जिहड़ा है वह है सेंटर कोल। राज्यां विच राजपालां दी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल अधीन राज्यां विच राष्ट्रपति राज लागू किया जा सकता है? ये है आर्टिकल 356 अनुसार। और भारत विच राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। वर्तमान समय प्रधानमंत्री किस राजनीतिक पार्टी के नाल संबंधित रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों लिए संसद के किसी भी सदन का मैंबर होना जरूरी है? दोनों कथन सही हैं। तो लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री को अहुदे की सहुं कौन चुकाता है? राष्ट्रपति। ये सन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़े लिए छड्डी हैं, तुसी कमेंट करके दसना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चे। जे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करो।